बादशाह सुबुद्दीन पहले बहुत गरीब था, एक साधारण सैनिक था। एक दिन वह बंदूक लेकर घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार खेलने गया था। उस दिन उसे बहुत दौड़ना और हैरान होना पड़ा। बहुत दूर जाने पर उसे एक हिरणी अपने छोटे बच्चे के साथ दिखाई पड़ी। सुबुद्दीन ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरणी डर के मारे भागकर एक झाड़ी में छिप गई, लेकिन उसका छोटा बच्चा पीछे छूट गया। सुबुद्दीन ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और उसके पैर बांधकर घोड़े पर उसे लाद लिया। बहुत ढूंढने पर भी जब हिरणी नहीं मिली तो बच्चे को लेकर ही वह लौट पड़ा। हिरण ने देखा कि उसके बच्चे को शिकारी बांधकर लिए जा रहा है, तो वह अपने बच्चे के मुंह से झाड़ी से निकल आई और सुबुद्दीन के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगी। बहुत दूर जाकर सुबुद्दीन ने पीछे देखा, अपने पीछे हिरणी को दौड़ता देख उसे आश्चर्य हुआ और दया आ गई। उसने उसके बच्चे के पैर खोलकर घोड़े से उतार दिया। हिरणी प्रसन्न होकर अपने बच्चे को लेकर भाग गई। उस दिन घर लौटकर जब रात में सुबुद्दीन सोया तो उसने एक स्वप्न देखा। उससे कोई देवदूत कह रहा था, सुबुद्दीन तूने आज एक गरीब हिरणी पर जो दया की है, परमात्मा ने तेरा नाम बादशाहों की सूची में लिख लिया है, तू एक दिन बादशाह बनेगा। सुबुद्दीन का स्वप्न सच्चा था, वह आगे चलकर बादशाह हुआ। कहानी की शिक्षा, वह जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं।